साथियों नमस्कार। आज मैं रामायण के एक विशेष प्रसंग पे आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। क्या माता सीता की दो नहीं केवल एक ही संतान थी? रामायण के कई संस्करणों में जिक्र मिलता है कि देवी सीता की दो नहीं बल्कि एक ही संतान थी जिसका नाम लव था। बाद में महर्षि वाल्मीकि की वजह से सीता को दूसरी संतान के रूप में कुश प्राप्त हुआ। हालांकि वाल्मीकि रामायण में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इन ग्रंथों में ये बतलाया गया है कि राम सीता की अयोध्या लौटने के बाद सीता गर्भवती होती हैं। ये समाचार मिलते ही पूरा राज्य परिवार प्रसन्न हो जाता है और उत्सव मनाने लगता है। लेकिन यही बात जब महल से होते हुए प्रजा तक पहुंचती है तो उनकी प्रतिक्रिया अलग होती है। सबको ये पता था कि सीता लंका में रहकर लौटी हैं। ऐसे में लोग सीता के चरित्र पर बातें करने लगे। साथ ही सवाल भी उठने लगा कि राम ने सीता को क्यों अपनी पत्नी के रूप में रखा हुआ है, जबकि पराए पुरुष के साथ रहने के कारण उसका त्याग होना चाहिए। उस युग में पति से अलग रहने वाली स्त्रियों के साथ यही बर्ताव किया जाता था। सीता के हवाले से प्रजा और खासकर स्त्रियां सवाल करने लगीं। आखिरकार जब माता सीता को ये बात पता चली तो उन्होंने खुद ही अयोध्या छोड़ने का फैसला ले लिया। इसके बाद का हिस्सा वाल्मीकि रामायण जैसा ही है, जिसके अनुसार लक्ष्मण सीता को छोड़कर जंगल आए, जहाँ महर्षि वाल्मीकि सीता का इंतजार कर रहे थे। आश्रम पहुंची गर्भवती सीता का दुख देखते हुए वाल्मीकि ने उन्हें धीरज रखने और आम संन्यासिनों की तरह जीवन बिताने की सलाह दी। सीता दूसरी स्त्रियों की तरह रहने लगी और आश्रम के काम काज में हाथ बटाने लगी। इसी बीच अयोध्या में सीता का त्याग कर चुके राम की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। अपनी गर्भवती स्त्री को छोड़ने के कारण वे दुखी थे और उसी तरह से रहते थे जैसे जंगल में दूसरे सन्यासी रहते हैं। वे राजमहल का भोजन नहीं करते थे और जमीन पर कुश बिछाकर सोया करते थे। हालांकि वे राज्य का कामकाज अच्छी तरह से संभाल रहे थे। इस बीच सीता का गर्भकाल पूरा हुआ और उन्होंने एक मनोहर पुत्र को जन्म दिया। वैसे सीता के पुत्र जन्म को लेकर कई ग्रंथों में अलग अलग कहानियां हैं। जैसे लोक कथाओं में कहा जाता है कि सीता ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया था, जबकि वाल्मीकि रामायण में दो पुत्रों के जन्म का जिक्र है ही नहीं। एक कथा में कुश ने किस तरह से जन्म लिया इसका जिक्र मिलता है। कथा के अनुसार आश्रम की दूसरी सन्यासी स्त्रियों की तरह काम कर रही सीता को लव के जन्म के कुछ वक्त बाद लकड़ी लाने के लिए जंगल जाना पड़ता है। कुछ जगहों पर यह भी लिखा मिलता है कि सीता को स्नान के लिए नदी पर जाना था। अब नन्हे लव को वो साथ ले नहीं जा सकती थी, इसलिए थोड़ा सोचकर उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को कुछ देर के लिए उसे संभालने को कहा। वाल्मीकि उस समय किसी काम में जुटे थे। उन्होंने हाँ तो कह दिया, लेकिन सीता माता ने देखा कि उनका ध्यान लव पर नहीं था। ये देखते हुए माँ ने लव को अपने साथ ही ले जाने का फैसला किया और निकल पड़ी। इधर काम खत्म करने के बाद वाल्मीकि का ध्यान जब बिछौने पर गया तो वहाँ लव नहीं दिखा। उन्हें यह नहीं पता था कि झुंझलाई हुई सीता पुत्र को लेकर जा चुकी हैं। वे घबरा गए कि पहले से ही दुखी सीता का पुत्र भी गायब हो चुका है और लौटने पर वे ज़्यादा दुखी हो जाएंगी। काफ़ी सोचने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने एक उपाय निकाला। उन्होंने कुश, एक तरह के पवित्र घास जिसका उपयोग पूजा पाठ में होता है, को हाथ में लेकर मंत्र पढ़ा और कुश एक शिशु में बदल गया। ये शिशु बिल्कुल लव की तरह दिखता था। वाल्मीकि ने इरादा किया कि सीता के लौटने पर वे इसी पुत्र को लव कहते हुए उन्हें सौंप देंगे। सीता लौटी तो ऋषि उनके पास लव को देखकर भौंचक्का रह गए। इधर सीता एक और पुत्र को पाकर प्रसन्न थी। उन्होंने कुश से जन्मे बालक का नाम कुश ही रखा। हूबहू लव की तरह दिखने वाला यह बालक लव के जुड़वा भाई की तरह जाना जाने लगा और इसका नाम कुश पड़ा। लव बड़े भाई थे और कुश उनसे छोटे भाई थे। तो यह कुश की कहानी है और बहुत सारे ग्रंथों में अलग अलग बातें मिलती हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि माता सीता ने केवल एक ही संतान को जन्म दिया और उनकी केवल एक ही संतान थी। कई संस्करणों में जिक्र मिलता है कि देवी सीता की दो नहीं बल्कि एक संतान थी जिसका नाम लव था। बाद में महर्षि वाल्मीकि की वजह से सीता को दूसरी संतान के रूप में कुश मिला था। तो ये आज का प्रसंग विशेष था जिसमें हमने आपको रामायण की एक और रहस्यमयी बातों से अवगत कराया। आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पे आपको अनमोल जानकारियाँ मिलती रहें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।